ऑप्शन नंबर 11। लो जी, कहते इवेल्युएट एक्सरसाइज 9.3 एपीजी क्लास। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है के की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक पुट करो और इसको इवेल्युएट करो। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम। जैसे के की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 3 की पावर 1, 2 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है ना, क्योंकि 1 से लेकर के 11 तक है, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। ठीक है जी, लो जी 2 2 2। अब अगर ये 11 टाइम्स गया तो 2 भी 11 टाइम्स ही गया होगा, बाकी जो 3 वाली सीरीज है वो क्या बन जाएगी जीपी। 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू 3 की पावर 11 22। ए आर भी कितना है 3 3 की पावर 11 -1/3 -1 22। ये हो जाएगा 3 की पावर 12 -3/2। बस यही बन सकता है, इससे ज़्यादा आगे हम 44 प्लस 3 की पावर 12 -44 प्लस 3 की पावर 12/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। आपने सारे टाइप कर लिए और सारे इसमें कर लिए, उसके बाद बस फिर बचता नहीं ना कुछ। ठीक है ना, बस इसको ढंग से रेगुलर रिवाइज करो। एलसीएम ले ना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, ऐसे हमने काफी क्वेश्चन किए, इन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है। भी 3 नंबर है जीपी में जिसका सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमने कितने सारे क्वेश्चन करे थे, 4-5 करे, इसने सिर्फ सिंगल क्वेश्चन दिया। एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम है कि वो क्वेश्चन ज्यादा देते नहीं और उससे ना फिर डेप्थ नहीं बनती। लेट 3 नंबर आर इन जीपी, क्या ले लिया हमने ए बाय आर ए एंड ए आर। ठीक है, कहता हूं उनका सम है 39/10। पहली सिचुएशन सम है 39/10, प्रोडक्ट भी दे रखा है, प्रोडक्ट से ही होगा कि फट से एक वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट दे रखा है सिंपली 1। अगर एनसीईआरटी वाले मेरे को अलाउ कर दे, मैं उनको ऐसी बुक बना के दूं सारी टाइप्स में, एवरेज बच्चा भी उठ जाता है कि जब वो आप एक एक टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन करोगे आपका दिमाग अपने आप सेटल हो जाएगा। ठीक है ना, आ गया जी, A1 आ गया, पुट कर दो, आर भी आ जाएगा। ठीक है जी,
एन प्लस टेन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 29 आर। लो जी 100 के ऐसे फैक्टर जो 29 बनाए, 25 एंड 4 5 आर कॉमन ले लिया, 2 आर माइनस 5 ठीक है जी। आर की वैल्यू होगी 2/5, आर की वैल्यू होगी 5/2 ठीक है जी। एक हमारा पास आई गया, सिचुएशन क्या कहती है, दो सीरीज बनेगी, ए वन है तो आर कितना है 2/5, फिट इसी में करना है ठीक है ना। ए बाय आर, ए ए आर, ए बाय आर क्या हो जाएगा 5/2, ए हो गया 1 और 2/5। अब ए अगर 1 है और आर 5/2 है तो रिवर्स हो जाएगी यही सीरीज, क्वेश्चन हमें इसलिए इजी लगा कि हमने ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। चार पांच चैप्टर ऐसे हैं जो अगर आप कंट्रोल कर लिया बहुत आसान हो जाएगा। थर्टीन पढ़ो, कहता हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 3² 3 आर डीडी टू गिव सम 120। थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब, सम कितना चाहिए 120। ए आर की पावर एन माइनस 1 ठीक है ना, फॉर्मूला लगा दिया। लो ये कितना हो गया 240, 3 एन माइनस 1 81, 3 की पावर 4। देखा कितना बबलू क्वेश्चन है क्या, जब इतने मोटे मोटे क्वेश्चन कर रहे हो उसके लिए सब आसान लगता है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपकी अच्छे से सारी कमांड बन जाए। एक कॉपी और लगाओ घर में रफ, उसमें सारा काम दोबारा करो, उससे ये होगा कि आपको भी, और बिना कॉपी खोले, कॉपी तभी खोलना जब बहुत जरूरत लगे, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन करके डाल देखो कि कितना आता है। The sum of first three terms is 16 ठीक है,
एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128. अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स के निकालने के लिए पहले आपको पूरी छह टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा, उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तभी आएगा ना. देखो कि जो सम निकलता है वो ऐसे निकल सकता है या ऐसे निकल सकता है, बीच में से नहीं निकल सकता. तो कहता है पहली तीन टर्मों का सम किसके बराबर है 60. जो अगली सिक्स टर्म, अगली थ्री टर्म्स है वो कैसे आएंगी, टोटल निकाल के पीछे वाला से माइनस करूंगा तभी आएगी ना. एस तो है ही हमारे पास कितनी 60, एस सिक्स हो गया 144. ठीक है, ऐड हो गया ना उधर जाके. ठीक है, लो जी ये लिखो जी, ए आर की पावर 3 माइनस 1 इजिकल टू 16. ये हो जाएगा ए आर की पावर 6 माइनस 1 इजिकल टू 144. डिवाइड करेंगे भाई, या तो डिवाइड या डिवाइड वगैरह ही करेंगे तभी तो सेटलमेंट होगी. सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, ए से कट गया, आर क्यूब माइनस 1 आर क्यूब प्लस 1. ठीक है ना, 16 निम्न 144 कट गया जी. आर क्यूब इजिकल टू क्या आ जाएगा 8, आर आ गया सीधे सीधे 2. आर आते ही ए भी निकल आएगा. ठीक है ना, जैसे ध्यान से देखो, ए आर क्यूब माइनस 1 इजिकल टू 16, ए आ गया 16 बाय. क्या पूछा गया इसने, ध्यान से देखो, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड सम टू nth टर्म. nth टर्म कोई बात नहीं, सम टू nth टर्म निकाल देते हैं. फॉर्मूला लिखो, r एक से बड़ा ही है ना, टू की पावर n माइनस 1. मैथ्स अच्छा होना भी ना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है अपने आप में. किसी स्टूडेंट का अगर मैथ्स बहुत अच्छा है ना तो बड़ी अच्छी क्वालिटी, क्योंकि आगे ना बड़े रास्ते खुल जाते हैं. आजकल एक नया कोर्स है एक्चुरियल, उसमें सिर्फ मैथ्स ही चलता है. ठीक है ना, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी ना एक्चुरियस रखती है जो सारी कैलकुलेशन करके देता है उन्हें भी, इसका इतना प्रीमियम बनता है. तो मैथ्स बिल्कुल कंट्रोल में रखो, मुश्किल नहीं है कुछ भी, सिर्फ रेगुलर रिविजन. ये ध्यान से देख, नहीं मैं समझ गया था, ये तो कट गया ना आपस में, ए तो ए कट गया. जैसे सुन देख, आर सिक्स को आप आर क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एक बार क्या लिखेंगे, इसे वन का स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है ना, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यही बनेगा. नहीं नहीं कर ले, वो बेसिस है, वो तो पावर जुड़ती है, मल्टीप्लाई नहीं होती. अगर तू आर क्यूब को आर क्यूब से कर देना क्या आएगा, बेसिस है पावर जुड़ी 6 होगी, फिर वो सिंप्लीफाई होगा, यही बचेगा. बीच में क्या होता था, दो बुक्स आती थी 11, अब पीछे से ना 2005 या 6 से क्लब करके एक बुक करी इन्होंने, दो बुक्स में और भी अच्छी वैरायटी दी होती.
ठीक है जी, 15 क्या कहता है 15 में गिवन अ जीपी ए 729, ए जो है 729 है और 7 सम 64 कर रहा है, 7 सम क्या होगी, ए आर 6, ए आपको पता है लो ये होगी 2 की पावर 6 और ये हो जाएगी 3 की पावर 6, 3 की बनेगी ना कर लेते हैं, थ्री की पावर 6 की बना, आर क्या होगा 2/3 की पावर 6, यानी आर क्या होगा 2/3, ए तो है ही है, क्या पूछ रहे तुम, एस 7 ये ना उल्टा लगा के फॉर्मूला, ये लगेगा 1 - r की पावर है, रीजन क्या है, r इज लेस देन, इसके बाद आ जाएगा नंबर 60 कहता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज माइनस, ठीक है जी, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होगी ए आर 4, ये हो गया 4 ए आर 2, ठीक है जी, ए से ए कट गया, यानी ए से ए कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर क्या हो गया प्लस माइनस 2, एक बार प्लस 2 लेंगे एक बार माइनस, ए निकाल लो, लो जी ए आर कितना है आपका
गया माइनस टू, एक बार टू से करेंगे एक बार फिर माइनस टू से करेंगे, ठीक है जी। क्या क्या पूछा है इसने, आर अगर माइनस टू है ये आ गया, ठीक है जी। सिचुएशन में हमने दोनों को सॉल्व करो, कहता है फोर टेंथ टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। कहता है फोर्थ टर्म, टेंथ टर्म एंड सिक्सटींथ टर्म ये एक्स के बराबर है, वाई के बराबर है, ये जेड है, यानी ए आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स, ए आर नाइन इज इक्वल टू वाई, ए आर 15 इज इक्वल टू जेड, ठीक है जी, गॉट इट। कहता है शो दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, कहता है एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, यानी वाई बाय एक्स इज इक्वल टू जेड बाय वाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई की वैल्यू ए आर क्यू ए आर ए स्क्वायर आर 18 हो गया, ये भी क्या हो गया ए स्क्वायर आर 18, देयर फोर एक्स वाई एंड जेड आर आल्सो इन जीपी, वो भी किसमें आ गए जीपी। अब ठीक लगेगा ना,
18 वाला क्वेश्चन हमने काफी क्वेश्चन करे हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है। कहता है इसका सम निकाल, हमने तो कितनी वैरायटी की, ए बी सी, एट कॉमन लेंगे, वन प्लस याद करो कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, नाइन। ये हो गया टेन माइनस वन, ये हो गया हंड्रेड माइनस वन, ये हो गया थाउजेंड। टेन प्लस हंड्रेड प्लस थाउजेंड, वन वन वन, ये क्या बन जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन माइनस, याद आया ना। माइनस नाइन एन ओवर नाइन, लो जी 19 पे पहुंच गया। क्या कहता है 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, दो सीरीज दी हुई है, कहते हैं इनका प्रोडक्ट लो फिर उनका सम निकालो, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट लो। पहले दिए हुए 2 4 8 16 32, दूसरी दे रखी है 128 32 821 बाय, ये रखिए कहते हैं इनका प्रोडक्ट लो कॉर्स पर, इसका इससे प्रोडक्ट लेंगे, प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 16 इंटू 2 256 64 जी, कैसे भी ले लो चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले, जैसे हम यहीं से ले लेते हैं 256 आर हो गया 1 बाय आर इज लेस देन 1, सम टू एन सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ए हो गया 256 1 माइनस 1 बाय 2, कितनी टर्म्स हैं 5, 256 इंटू 2 और ये हो गया 2 की पावर 5 कितनी होती 32, बता और 90
ठीक है जी, 20 ऑप्शन। देखो अब इस क्वेश्चन का और 20th का लिंक है, अगर हम दो एपी जीपी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीपी आती, क्या आती है, जीपी ही आती। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, ये क्या है, जीपी। ये भी क्या है, ध्यान से देखा जाए, जीपी। ठीक है, चार से डिवाइड हो रही है, चार से क्या हो रही है, डिवाइड। ये भी जीपी, तो जीपी का प्रोडक्ट भी क्या होता है, जीपी। क्वेश्चन नंबर 20 इसी पे बेस्ड। कहता है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, दो सीक्वेंस दे रखी है, ए आर स्क्वायर ए आर एन, देन ए आर स्क्वायर ए आर एन। कहता है इसको, अब ए को ए से करा, ए आर, ठीक है ना, ए आर क्यू, ए आर एन माइनस वन एन आर एन। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू जीपी इज आल्सो जी। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म, क्या आ गया, फर्स्ट टर्म होगी आपकी ए ए, और जो आर हो गया कॉमन रेशियो, दैट इज व्हाट, आर आर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, कहता फाइंड फोर नंबर्स इन जीपी वेयर थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, ठीक है ना, एंड थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 80। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। ठीक है जी, ए कॉमन लो, आर स्क्वायर माइनस 1, इसमें से माइनस ए कॉमन लो और आर भी, तो ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, आर कितना आ गया, आर कितना आ गया, आर आते ही
ए आ गया, ए आ गया, फोर नंबर ढूंढने भी हैं इसमें, वो भी ढूंढ लेते हैं। एक वो अलग कर लो, बेसिस सेम है, इधर माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू आर माइनस पी सी माइनस आर प्लस, तो ये भी ए की पावर भी जीरो होगी और आर की पावर भी जीरो होगी, क्या हो गया, किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होती है, दुनिया में कदर दिमाग वाले व्यक्ति की होती है हमेशा, नोट कर लेना ठीक है ना, दिमाग से ही सक्सेस आती है लाइफ में।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इफ द फर्स्ट एंड एनथ टर्म आर ए एंड बी, फर्स्ट टर्म कहता है ए है और एनथ टर्म क्या है बी, ठीक है ना, यानी ये हो गया ए, ये हो गया ए आर एन माइनस वन। कहता है एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, पहला स्टेप तो ये हो गया, सेकेंड मतलब पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स यानी ए ए आर ए आर स्क्वेयर ए आर एन माइनस वन, बेशक किसी भी ऐसी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ए की पावर एन हो जाएगी क्योंकि ए एन टाइम्स है, आर की पावर हमेशा अलग अलग है, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन। जब भी ऐसी की सिचुएशन बन जाए वो सिग्मा लगा दिया जाता है लास्ट टर्म का, सिग्मा एन क्या होता है आपका एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। हमें यहाँ पे अगर एन माइनस वन, ये एन टर्म्स का सम है, अगर एन माइनस वन का चाहिए तो एन की जगह एन माइनस वन रख, ये बचा ना, इसकी जगह इसको रख दें ए की पावर एन और ये हो गया आर की पावर एन एन माइनस वन अपॉन, ठीक है जी। हमें क्या चाहिए पी स्क्वायर, देयरफॉर पी स्क्वायर ए की पावर टू एन, क्योंकि ऊपर स्क्वायर करेंगे ना, और यहाँ बचेगा आर एन एन माइनस वन। और LHS क्या बताइए उसने, ए प्रूव करने को बोला ए बी की पावर एन इज इक्वल टू पी की पावर पी का स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा ए ही है और बी क्या है ए आर एन माइनस वन, लो जी ए ए स्क्वायर हो गया आर एन माइनस वन, पावर आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, वही आ गया LHS इज इक्वल टू आर एच एस, LHS इज इक्वल टू नंबर 24।
शो दैट रेशियो ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, पहले फर्स्ट एन टर्म्स की जैसे टी वन टी टू टी थ्री अप टू टी एन, इसका अगर सम लेंगे तो क्या बनेगा, ए आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन, ठीक है जी। सेकेंड उसने बोला है टी वन क्या है, ए, ये है ए आर ए आर ए आर ए आर स्क्वायर, और ये क्या होता है ए आर एन माइनस वन, समझ में आई, ये आ गया सेकंड। अब उसने जो टर्म दी है ना वो ये दी है एन प्लस वन एन प्लस टू अप टू टू एन, हेलो हाँ वॉट। अब ये टर्म अगर गिना जाए, यहां अगर हमने n प्लस वन रखा है तो ये क्या बनेगी ए आर एन, ये क्या बनेगी, यहां अगर 1 है तो यहां r की पावर 0 है, यहां 2 है तो r की पावर 1 है, अगर n प्लस टू है तो r की पावर कितनी होगी n प्लस वन, और ये क्या हो जाएगी ए आर टू एन माइनस वन। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है ध्यान से देखा जाए, ये फर्स्ट टर्म क्या है ए आर एन, आर तो आर ही रहेगा, जब ए से ए कट जाएगा आर की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई आर की पावर एन करूंगा तो क्या बचेगा आर की पावर वन, ठीक है ना। सिचुएशन वन सिचुएशन टू कहते हैं इन दोनों को जो रेशियो है ना, रेशियो में से डिवाइड करके निकाला जाता है। ठीक है जी, ये भी आपका हो जाएगा क्योंकि एन से लेकर एन टू एन माइनस कितनी टर्म्स होती है, एन टर्म्स ही होती है, वो भी आर की पावर क्या हो जाएगा एन, बस कटता चला गया। ये इससे क्या उसने यही पूछा है कि वन बाय यहां से लेकर यहां तक एन टर्म्स, तो एन प्लस वन से लेकर टू एन तक देखा है तो उसका डबल ही है टर्म, तो एन ही है इसके पास भी, बस ये कि फर्स्ट टर्म चेंज होगी, फर्स्ट टर्म चेंज होगी आर आर ही रहा और टर्म्स कितनी है एन, कट कटा के बुक में यही बोला कि इसको प्रूफ करो।
क्वेश्चन नंबर कहता है ए बी सी डी आर एन जी पी यानी अगर ये जीपी में है यानी ए ए है बी ए आर है सी ए आर स्क्वायर है और ये ए आर क्यू ठीक है जी। प्रूफ क्या करना है कि शो करो ये भी जीपी में क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ठीक है जी। पुट करो ए तो ए ही रहेगा बी क्या हो जाएगा ए आर और सी क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर ठीक है। बी क्या है ए आर स्क्वायर सी क्या है ए आर स्क्वायर का टेन ए आर क्यूब का ए बी बी सी सी डी ए स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर फोर ए स्क्वायर आर सिक्स इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो आर प्लस आर क्यू प्लस आर फाइव बचेगा और ये ऊपर होल स्क्वायर दिया बस। अच्छा ये ए फोर आएगा बात क्या आएगा ए फोर यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ठीक है जी। हाँ नहीं आर भी ले लो ले सकते हैं यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा ना ठीक है आर स्क्वायर ले लो यहाँ हो गया वन प्लस ये तो यही रहेगा और ये हो जाएगा वन प्लस आर आर स्क्वायर और ये आर फोर ही रहेगा ठीक है ना। इसमें से भी आर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर ही आएगा बाहर आर फोर का स्क्वायर हो गया प्रूफ। एल एच एस इज इक्वल टू यहाँ पर यहाँ आर स्क्वायर कॉमन लोगे ना अंदर से तो आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो डिवाइड करना है आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से डिवाइड कर गया फोर डिवाइडेड बाय टू टू बचेगा सिक्स में से जब टू माइनस हो तो फोर ही तो बचेगा। हाँ हाँ ध्यान तो एल एच एस इज इक्वल टू ये भी स्क्वायर हो एल एच एस इज इक्वल टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे ना मुसीबत खड़ी हो जाएगी स्मार्टनेस भी दिखानी पड़ेगी। अगर मैं चाहता था डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर खोलना मुश्किल हो जाएगा हमारे
तो ध्यान से करना होता है, कैसे करेंगे काम निपट जाए। Determine two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is a GP. वही देखा जाए तो किसकी बात कर रहा है, ज्योमेट्रिक मीन वाली बात होगी, अगर बनाना तो ज्योमेट्रिक मीन वाली पोजिशन होनी चाहिए। लो जी आर निकाल लेते हैं, बी बाई ए आर कितना हो गया, जी वन किसके बराबर होगा, ए आर, ए क्या आपका थ्री, आर है जी टू हो गया ए आर, तो क्या बन जाएगी जी, क्या बन जाएगी